गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी ट्रैवलर। और आज ये देसी ट्रैवलर निकल गया फिर से ट्रैवलिंग के लिए। आपको ये गेटअप देख के पता चल ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं घूमने का प्लान है, तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। अभी कुछ नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, जैसे जैसे जाता जाऊँगा वैसे वैसे आपको दिखाता जाऊँगा। ओ फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2022। सो गाइस चलिए राइड शुरू करते हैं, मिलते हैं आपको सफ़र में। तो भाई हमको घर से चले हुए 1 घंटा हो गया है और ये पहला स्टॉप है, फर्स्ट फिलिंग है यहाँ पे करवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। अभी हम कौन सी जगह भैया, कौन सा जगह है? 17 माइल पहामला। तो 17 माइल पहामला है मेरे ख्याल से, 17 माइल होगा गुवाहाटी से, ये ना। हाँ तो चलिए चलते हैं आगे। क्या हुआ? बस बस ठीक है, फुल हो गया जितना नहीं है। टंकी फुल हो गया। हाँ टंकी फुल हो गया भाई, हमने ज़्यादा बोला था उतना डला भी नहीं। तो गाइस अभी हो रहा है 8:40 एंड वी आर एट, तो हमने यहाँ से एंट्री पास ले लिया है, अभी आगे चलते हैं। और एक अपने साथ एक बंदा और है, उसका इंट्रो कराते हैं। ये है भाई अपने साथ, मुँह देख लो इसका। हाँ ये बोल रहा है कि यहाँ से बाइक निकालने में दिक्कत होगा। अभी मैंने इसको बोला था कि यहाँ पार्क नहीं करते हैं उधर ही कर लेते हैं, पर ये बोला कि नहीं आगे घुसाओ, अभी निकालो यहाँ से। भाई रोड पे थोड़ी खड़ा करना, हमारा रोड है, हमारा रोड है। तो गाइस चलो चलते हैं यार आगे, ठीक है आगे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं उमियाम लेक। हम लोग चले थे घर से 7:15 पे और अभी हम लोग 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आपको मैं पीछे का व्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए कितना मस्त व्यू है इस साइड का, पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से पेड़ और वादियाँ, और व्यू ही अलग है। मतलब ये इसी चीज़ के लिए तो बंदा यहाँ आता है यार, यही तो चीज़ है। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भाई ये है, ये चीज़ है जिसके लिए यहाँ पे रुका। गाइस व्यू तो यहाँ से आ रहा है यार, वाओ क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, ऑसम व्यू है, एकदम ज़बरदस्त वाला व्यू है। और अभी एक स्पीड बोट निकल गया आपको दिखाता, हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक। तो गाइस अभी इस लोकेशन को करते हैं बाय बाय, और इससे और बढ़िया नहीं, सारी बढ़िया है, तो ये भी बढ़िया है। और एक और बढ़िया लोकेशन दिखाने के लिए चलो चलते हैं भाई, चले चलते हैं। देखो लोंडे ने चश्मा वश्मा लगा लिया पूरा, एकदम वो लग रहा है, क्या लग रहा है? अब रहने देता हूँ, क्या बोलूँगा मैं, फिर नाराज़ हो जाएगा। तो भाई वैसे भी शिलोंग तो सर्दी के लिए फेमस है ही है, बट क्या कहते हैं अभी फर्स्ट जैन है आज यार, क्या ज़बरदस्त हमारी सर्दी को रखी है ना। मतलब ये जैकेट पहनी हुई है, इसके बाद अंदर जो काफ़ी चीज़ें पहन रखी है, फिर भी सर्दी लगती है। हेलमेट तो लगा के चलना ही चाहिए वैसे भी, सर्दी के कारण और ज़रूरी पड़ जाता है हेलमेट लगा के चलना। कितनी सर्दी हो रही है कसम की। हाँ 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 जहाँ थोड़ी सी धूप आती है ना वहाँ भाई मज़ा ही आ जाता है। देखो भाई, मतलब एक तो एक्सीडेंट होता है और ये देखो गाड़ी कहाँ गिरी हुई है, ये और रोड कहाँ है, और एक देखो गाड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, उसको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे यार गाड़ी देखो ये यहाँ गिरी हुई है, देखो इसको देखो, इस साइड से आके रोड से उछल के गिरी है।
तो गाइस टाइम हो गया है 11:20, कहाँ पहुँचे हैं पता नहीं। अभी चले जा रहे हैं और एक डेढ़ घंटा लगेगा हमें डॉकी पहुँचने के लिए, लेकिन अभी रुके इसलिए क्योंकि भाई जो व्यू दिख रहा है ना उस व्यू को देख के आप क्रॉस कर ही नहीं सकते हो। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ। अरे नहीं, ये व्यू नहीं है भाई, ये तो मेरे साथ ही है। हाँ, इसी को व्यू मत समझ लेना। ये है देखो व्यू भाई, क्या जबरदस्त व्यू है देखो, मतलब दिल खुश हो गया भाई इसको देख के। वाओ, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मऊ का जेम, जैसा मैं पढ़ पाया जगह का नाम वही मैं प्रनाउंस कर रहा हूँ। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, बीच बीच में जैसे कैमरा निकालते हैं रिकॉर्डिंग के लिए हाथ सुन पड़ जाते हैं बिल्कुल। और बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा चलना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग रुके हैं। और पहाड़ों में एक ही चीज़ खाने का मन करता है, मैगी, और हमने भी मैगी मंगवाई है। तो अभी मैगी आती है, बस आपको दिखाते हैं और हम खाते हैं। तो भाई आ गया है और खा के देखते हैं। ये तो टेस्टी है, ऊपर से ठंड में गरम मैगी खा के और मज़ा आ गया। अभी एक बंदा और खा रहेगा, तू भी खा भाई, खा के दिखा मैगी, खा के दिखा भाई, जबरदस्त है बिना खाए, खा के दिखा। अब उसको उसे से खींच, अरे खींच, हाँ यही तो चाहिए था भाई। गर्मा गर्म कॉफ़ी में से भाप देखो क्या मस्त निकल रही है, और इसको पी के जो सर्दी भाग रही है ना, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो भाई मैगी हो गया है, कॉफ़ी हो गया है, और विचार था पहले तो कि यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है पीछे जो दिख रहा है उसमें जाएं, बट टाइम को देखते हुए हम सोच रहे हैं पहले डॉकी पहुँचते हैं। ओह हाँ, डॉकी जा रहे हैं, तो पहले हम डॉकी पहुँचते हैं, उसके बाद फिर वापसी में अगर यहाँ टाइम मिला तो देखेंगे, अदरवाइज़ सीधा, क्योंकि पहाड़ का व्यू है तो वो तो वहाँ से हमें वैसे भी दिख ही रहा था। तो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद हम लोग अभी डॉकी पहुँचने वाले हैं, बट अभी हम लोग पहुँचे नहीं है, जस्ट पहुँचने वाले हैं। नहीं चला रहा, पता नहीं इसको क्या मज़ा आ रहा है ऐसे स्विंग कराने में बाइक को। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, अराउंड शायद 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमको बगल में नदी दिखाई दी अभी। वैसे तो मैं इससे पहले भी एक बार डॉकी आ चुका हूँ, बट उस टाइम मैंने वॉकिंग स्टार्ट नहीं की थी, उस टाइम मैं कार से आया था, इस बार मैं बाइक से आया हूँ। तो बाइक पर एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे कार के मुकाबले। तो लेकिन हाँ, अगर आप डॉकी आते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गुवाहाटी से चल रहे हो तो आपको पार्टी से सुबह 5 बजे निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो उसके चक्कर में हम लोग थोड़ा लेट होते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों का प्लान था वापस चलने का यहाँ से, बट अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो सब। सो गाइस, अभी जस्ट पहुँचे हैं हम लोग डॉकी, और टाइम हो गया 1:37, यानी कि हमको घर से चले हुए हो गए हैं पूरे 6 घंटे 15 मिनट, जिसमें हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया उमियाम लेक पे, थोड़ी देर हमने ब्रेक लिया बीच में मैगी खाने के लिए, उसके बाद नहीं तो हम चल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हमें अराउंड 5.5 घंटे लग गए होंगे बाइक चलाते हुए, बाकी 45 मिनट हमने स्टे किया है कहीं कहीं रुक के। तो अभी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नदी कितनी साफ़ है। मेरे को दिख रही नदी कितनी साफ़ है, बहुत साफ़ है, दिल खुश हो गया यहाँ पहुँचने के बाद। देखो आपको शेडो दिख रही होगी, जो बोट चल रही है उसकी शेडो जो है नीचे जो बैंक ऑफ रिवर है जो बेस है उसके ऊपर नज़र आ रही है शेडो। और सबसे मज़े वाली बात, वो जो आपको भीड़ नज़र आ रही है ना, आपको उस साइड जो भीड़ नज़र आ रही है वो सारी की सारी भीड़ बांग्लादेश की है, इंडियन नहीं है वो बांग्लादेश का एरिया है। हमारा एरिया वहीं तक है जहाँ तक ये बोट है, पानी है, चल रही है बोट जहाँ तक।